दोस्तों इस वीडियो में आज हम लेकर चलेंगे मऊ बाल निकेतन ब्रिज के पास, क्योंकि जहां पर मऊ बाल निकेतन का ब्रिज बन रहा है उसी का अपडेट हमें इस वीडियो में देना है। वीडियो आज की काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आज हम स्टार्टिंग करेंगे वीडियो को। आई लव हमारा मऊ जो रोड सीधा लेकर जाता है फाटक तक, तो वहीं से स्टार्ट करके सब कुछ इस वीडियो में अच्छे तरीके से आपको दिखाएंगे। तो वीडियो को जिन भाई ने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आपको बैक टू बैक मिलती रहे, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हम दिखाते रहते हैं आप सभी लोगों को। और मऊ ज़िले की जो कुछ भी वीडियो रहती है हम अपने चैनल पर बराबर दिखाते रहते हैं। ये देखिए, ये सीधा आई लव हमारा मऊ से हम होकर सीधे, ये बलिया मोड़ है तो आई लव हमारा पॉइंट जो मऊ है वहीं से हम दैने साइड कट होकर सीधा फाटक के साइड जाने वाले हैं, भीटी साइड नहीं जाने वाले हैं। तो चलते हैं, पूरा आपको हम घुमाते हुए लेकर चलेंगे, क्योंकि इस तरह की वीडियो आप लोगों को हमने नहीं दिखाई थी, मगर आज चलिए हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो जिन भाई ने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो यहाँ से आगे के साइड हम सीधा आई लव मऊ पहुँचने वाले हैं, जो बाएं साइड से भीटी के साइड चला जाता है रोड, तो उस रोड से हमें नहीं जाना है, सीधा बाएं साइड से हमें कट करके सीधा दाएं साइड से कट करके हमें सीधा निकल जाना है फाटक के साइड। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं सीधा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो काफ़ी आज की इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो लेकर चलते हैं आगे। और यहाँ पर इसलिए हम पूरे रोड की वीडियो बना रहे हैं, ताकि ये आपको दिखा सके कि फाटक का जो दाहिने साइड से रोड जाता है लव हमारा मऊ जो क्रॉस करके, वो रोड हम आपको दिखाने वाले हैं कि पहले किस तरह से ये रोड हुआ करता था, मगर अभी इस टाइम में अगर देखा जाए तो ये रोड काफ़ी जानदार बनाया जा चुका है। दोनों साइड से डमरू लगा कर काफ़ी रोड को चौड़ा बना दिया गया है, जो इस वीडियो में हम दिखा रहे हैं। और आगे जो मंदिर है उसका भी थोड़ा सा वीडियो में हम दिखाएंगे, तो जिन भाई को अगर मंदिर में इंटरेस्ट है वो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और जिस भाई को ब्रिज देखने में इंटरेस्ट है वो भी ज़रूर देखिएगा। तो लेकर चलते हैं आगे के साइड में, और वीडियो काफ़ी बड़ी नहीं होने वाली है, 8-9 मिनट की वीडियो हम बनाएंगे और आपको अच्छे तरीके से दिखाएंगे। तो ये देखिए, आगे के साइड में एक मंदिर आ चुका है, जो नदी के किनारे ये मंदिर पड़ता है, और इसका भी शुद्धिकरण किया गया है, काफ़ी इस मंदिर पर भी काम कर दिया गया है, और काफ़ी गार्डन वार्डन यहाँ पर देखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन अच्छे तरीके से पार्क और सब कुछ बना दिया गया है। चलिए आगे के साइड से हम दिखाते हैं पूरा आपको अच्छे तरीके से, और ये देखिए रेलिंग वेलिंग ब्रिज काफ़ी जानदार कलर करके बनाया जा चुका है, और यहाँ पर देखिए शंकर जी की मूर्ति शायद यहाँ पर है, ये देखिए, और काफ़ी जानदार बनाया गया है। और आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा प्यारा सा कमेंट करके एक बार हमें ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए, ये अपना जो कि नहर है, और यहाँ पर शंकर जी की मूर्ति है, और यही रोड सीधा पकड़ कर हम मऊ बाल निकेतन ब्रिज पर पहुंचने वाले हैं। तो चल कर दिखाएंगे थोड़ा सा वीडियो में, वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। और तो यहां से हम लोगों ने बाई साइड घूम चुके हैं और सीधा फाटक पर पहुंचने वाले हैं आपको लेकर। तो इस तरह की वीडियो आपने देखी है नहीं देखी है कमेंट करके एक बार हमें ज़रूर बताइएगा, और इस तरह की वीडियो आप लोग को पसंद आती है कि नहीं आती है वो भी कमेंट करके बताइएगा। और अगर पूरा मऊ की वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा, ताकि हमें भी जानकारी मिले कि आप लोग कहाँ कहाँ की वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो उसी हिसाब से हम वीडियो लेकर आपको आएंगे। और मऊ हॉस्पिटल, बहुत सारे मऊ में हॉस्पिटल हैं, अगर आप हॉस्पिटल की जानकारी लेना चाहते हैं या वीडियो देखनी चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके बताइएगा किस हॉस्पिटल की वीडियो आप देखनी चाहते हैं। और मऊ के मार्केट की अगर वीडियो आपको अगर देखनी है तो वो भी कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हम बाइक राइड करके पूरे मऊ को कवर करके आपको दिखा सकते हैं वीडियो में। और यहाँ पर हॉस्पिटल की अगर बात करेंगे तो हॉस्पिटल तो बहुत सारे हैं, मगर पैसे ये लोग बहुत लूटते हैं हॉस्पिटल के नाम पे। यहाँ पे गरीब दुखिया को कुछ भी मतलब नहीं समझते हैं, अपना बस जेब भरा करते हैं लोग,
मगर यहाँ पर जितने भी सारे हमने पहले हॉस्पिटल की वीडियो बनाए थे उसमें बहुत सारे कमेंट आए, बोल रहे कि ये हॉस्पिटल चोर है, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं है। तो आपके नज़र में कौन सा हॉस्पिटल अच्छा है वो कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पर देखिए हम मऊ बाल निकेतन फाटक पार करके यहाँ पर पहुँच चुके हैं और आगे के साइड से हम जाएँगे, यहाँ से यहाँ पर नहीं रुकेंगे, आगे के साइड से सदर हॉस्पिटल होते हुए घूम कर आपको सीधा लेकर जाने वाले हैं, क्योंकि बाइक राइडिंग हम करवा रहे हैं और इस वीडियो में दिखा रहे हैं। तो आगे के साइड से चलेंगे, जो भीटी से रोड आता है कट के, जो सीधा रेलवे स्टेशन को लेकर जाता है, तो सीधा हम भी रेलवे स्टेशन पर ही जाएंगे आपको लेकर वीडियो दिखाते हुए। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और यहाँ से आगे के साइड में एक सदर हॉस्पिटल है जो सरकारी है, बहुत सारे काम यहाँ पर किए जाते हैं। तो अगर आप इस हॉस्पिटल से अगर कभी आए हैं, इलाज किए हैं, तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पर बहुत मतलब जो है कि कागज़ पत्र यहाँ पर बनते रहते हैं सरकारी। तो आइए चलते हैं लेकर सीधा आपको। तो आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमें सदर हॉस्पिटल में कुछ काम है, इसी वजह से हम आगे के साइड से चलकर रुकेंगे और आपको वीडियो में दिखाएंगे। और बाल निकेतन की वीडियो अगर देखनी है तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे तरीके से हम चलकर पूरा दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी दूसरी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के साथ में। तो बने रहिएगा वीडियो के आखिर तक, वीडियो आज की काफ़ी अच्छी रही होगी। तो बाल निकेतन ब्रिज की जो रास्ता आता है उसका रास्ता हमने दिखा दिया, और किस तरह से आपको यहाँ पर आना है, किस तरह से आपको रेलवे स्टेशन जाना है। तो यहाँ से अभी जो बाल निकेतन ब्रिज है वहाँ से रोड ब्लॉक है, इसी वजह से इस तरह से सारे लोग आते हैं जाते हैं सदर रोड पकड़कर। तो हम भी यही रोड पकड़कर आगे के साइड मऊ रेलवे स्टेशन पर सीधा चलेंगे और वहाँ की मऊ रेलवे स्टेशन की वीडियो दिखाएंगे, मगर वो वीडियो दूसरे पार्ट में दिखाएंगे। अगर एक ही वीडियो में अगर सब कुछ आपको दिखा देंगे तो आप वीडियो को बहुत ज़्यादा स्किप करेंगे। तो ये देखिए बाल निकेतन ब्रिज है, तो हम मऊ रेलवे स्टेशन को पहले कवर करेंगे, फिर उसके बाद बाल निकेतन को कवर करेंगे, और उसके बाद जो है कि आपको पूरी वीडियो अच्छे तरीके से दिखाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी दूसरी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में। तो लाइक कर लीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। No time for me. I've been flying from town to town.